हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V29e एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने व्हाट्सएप की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके व्हाट्सएप की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है ना, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनेट है वो आपका चालू होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपके व्हाट्सएप की इनकमिंग कॉल जो है स्क्रीन के ऊपर शो होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपको कन्फर्मेशन सबसे पहले करनी है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि एक बार जो अपने फोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से आपको दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पर टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से यह होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, व्हाट्सएप की इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रिस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस मैं आपको और भी बताता हूं। देखिए दोस्तों, आपको अपने व्हाट्सएप को एक बार जो है रीसेट कर देना है, ठीक है। व्हाट्सएप को रीसेट करने के लिए आपको इसे उंगली से दबा के रखना है, तो आपका एक पेज ओपन होगा छोटा सा। इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा या फिर सर्कल के अंदर आई बटन होगा उसे टैप करना है, ठीक है। तो आपका ना ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का, ठीक है। तो आपको जो है पहले क्लियर कैच पर टैप करना है, तो नीचे की साइड कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है, तो डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट का बटन ये टैप कर देना है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने व्हाट्सएप को रीसेट कर देना है, ठीक है। इससे आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है ना व्हाट्सएप की कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार जो है रीसेट कर देना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है वो प्रॉपरली ठीक तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी व्हाट्सएप की कॉल जो है स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है, ठीक है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको सबसे ऊपर की साइड ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे टैप करना है। यहाँ पर ये जो तीन सेटिंग आप देख रहे हैं ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में पहले से इंक्लूडिंग रहती है। आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है, तो आपको अगले पेज पे अपने फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है, तो आपको नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है, तो आपको नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो है नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे, तो आपकी जो व्हाट्सएप की कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रही है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एक काम और करना है आपको कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर के अंदर सबसे ऊपर ये सर्च बार पर टैप करना है, और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप यहाँ पर आपको टाइप करना है, तो आपको जो है यहाँ पर जो है ना व्हाट्सएप का ये इस तरीके से लोगो दिखाई देगा। अगर आपका व्हाट्सएप अगर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है, ठीक है ना, अगर व्हाट्सएप अपडेट में पेंडिंग पड़ा हुआ है तो, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अब आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार जो है रीसेट कर देना है। देखिए आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज आपको अपने फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पर आपको टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है, आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी जो व्हाट्सएप की कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ना रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस आप यूज करिए, तो आपकी जो व्हाट्सएप की इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।